एकदम टिप टॉप हो के निकल पड़े पैनल हॉपिंग करने, वो भी होल नाइट। और ये है फर्स्ट वाला जो जाने के समय मुझे पड़ा था और लिटरली क्या ही कहूँ, मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा था ये पैंडल। और ये है बेलेघाटा वाला, और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम डार्कनेस ही डार्कनेस रहता है। और ये देख लो, समथिंग प्लांट अवेयरनेस, डेफिनेटली कुछ प्लांट अवेयरनेस में ही हुआ होगा। और अंदर पूरा बोला केव्स बोला कल्स वाला फीलिंग दे रहा था। ये लो देख लो यार पैंडल के अंदर, और लिटरली बिलीव मी कहाँ से पानी टपकता हुआ आया, और मुझे लगा यार कहाँ। और ये है और एक अनोन जगह जो मुझे समय खेल गया कि तुम जाओ, तुम पिक्चर लेके आओ, हम देख लेंगे बाद। और ये है अंदर कठपुतली के बारे में कुछ। ये बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा था पर अंदर भी ओके ओके था। और यहाँ से मुझे सबने अकेला छोड़ दिया कि जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी। एंड द मोस्ट अवेटेड राम मंदिर ऑफ संतोष मित्र स्क्वायर, ये देखने तो हम मतलब यही देखने मेन मोटो वाज इट। लिटरली राम नाम के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ, मतलब इतना वाइब्स आ रहा है। राम के आदि पुरुष के जो गाने थे ना वो भी चलाए जा रहे हैं। तुम लोग अगर सुनोगे तो राम के राम नाम जय श्री राम नारे भी सुना देंगे तुम्हें। और अगर अब राइट साइड में नोटिस करेंगे तो देखिए लाइट शो भी हो रहा है वहाँ। रोको मैं जूम करती हूँ, देख लो। और ये है अंदर का पूरा, अंदर मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है पर द मोस्ट इज कि बाहर का जो थीम होता है ना वो द मोस्ट वाइबिंग होता है। और बिलीव मी शिवभूमि से संतोष मित्र स्क्वायर बहुत बेटर है, बहुत मतलब बहुत। और ये कहाँ का है मुझे पता नहीं। तो चाचा चाची चले गए घर और हम चले आए साउथ की ओर। और ये देखो एक डालिया एवरग्रीन की, मतलब रोड पे ही सब रंगोलियाँ आल्पना जो हमारे यहाँ कहते हैं वो क्या हुआ। ये देखो लाइटनिंग। और ये है एक डालिया एवरग्रीन, एक अलग ही रॉयलिस्टिक पैंडल था। ऐसा ही होता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम द पैंडल। और मिडिल में ही हम और एक जगह गए थे पर उसका क्लिप्स मुझे अभी मिला। और ये है देख सकते हैं बेलेघाटा बालक बृंदु स्कूल। और यहाँ पर इतना अच्छा था लिटरली आई गेस टीम था ड्रीम, और लिटरली बहुत अच्छा था। हमें बाहर से किसी ने कहा कि जाओ अच्छा है अंदर, हम अंदर गए और बिलीव मी इट वाज लाइक वर्थ ऑफ इट। मैं पैंडल हॉपिंग करने तो जाती हूँ पर हाफ का तो मुझे नाम ही नहीं पता। और ये है कहाँ का मुझे पता नहीं बट थीम था प्लांट सेव ट्री सेव लाइफ, जो द मोस्ट कॉमन थीम होता है पूजा पैंडल्स की। और यहाँ पर लिटरली पॉट जो था अगर आपने देखा गेट में तो वो मैक्सिमम तुलसी प्लांट था, मैक्सिमम तुलसी मतलब बंगाल में तो। ये देखो वो वाला पेक जो मैंने पहले डाला था ना कि मुझे पता नहीं ये वो है। आप लोग जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना एक बार। ये है हमारा देखा हुआ सेकंड पैंडल बट हम मुझे अभी क्लिप्स मिला तो ये है सोशल मीडिया अवेयरनेस के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर अंदर का जो मूर्ति था वहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है देख लो, मतलब पीछे। और ये देखो बड़ा बड़ा पूरी, मुझे लिटरली भूख लग गई है देखकर। और यहाँ पर हमें मिडिल रोड में मिला ये एक पैंडल। और अब हम चले घर की ओर, अभी बज रहे हैं 4 बजे और हम अब जा रहे हैं घर की ओर। और आई गेस पहुंच गए होंगे हमारे चाची। और आप देख सकते हो लाइक लाइट थोड़ी, आज हमने सोचा था ऑनलाइन नहीं करेंगे पर हो गया।
तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:35 और अब हम आए हैं घर। कैमरा की क्वालिटी बहुत बुरी है आई नो, और अब हम सोने वाले हैं 5 बजे। और लिटरली क्या कहूँ, सुबह हो गई है। हम लिटरली होल नाइट करके आए, सुबह सच में हो गई है। और दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, कमेंट एंड एंजॉय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो।